बोलते हैं इसको, जादू दिया। हाँ जादू दिया, ये हाथ की कला है, इसमें कुछ जादू ही नहीं है। अच्छा, इसमें आपको पीछे से तेल भरना है उल्टा करके। अच्छा, उल्टा करके तेल भरना है, तेल या घी कुछ भी डालना है, सीधा करोगे निकलेगा नहीं वापस। अरे बाप रे, वाह यार गजब है। और इधर से आपको रुई की बत्ती लगा के इसको जला देना है। जल जाएगा वो? ये आप ऑटोमेटिक जलेगा, इसको 12 घंटे के लिए तुलसी के लिए दिवाली में नवरात्रि में कहीं लगाइए चलेगा। हाँ। ये अगर इसमें यहाँ से निकालना हो तो यहाँ से निकलेगा। अरे वाह यार गजब ही कारीगरी कर रखी है आपने तो। बिल्कुल, ये देखो दोस्तों, ये अलग ही कारीगरी है, और इसके अंदर पीछे से डलता है तेल और यहाँ से निकलता है, ये जादुई दीपक है। अच्छा भैया और क्या क्या आइटम है इसके अंदर? मेरे पास तीन टाइप है। हाँ? ये पांच बत्ती का हैंग करने के लिए नवरात्रि के लिए स्पेशल। अरे वाह यार गजब, ये तो ये एक नया बना दिया आपने। ये गणेश जी का, ये गणेश जी का। अच्छा इसके अंदर पीछे से पानी डाले, सेमी चीज है, दिखाने को डाल के रुक जाए भैया। ये देखिए तेल या घी कुछ भी डाल दीजिए, ये देखिए सीधा करोगे निकलेगा। ये मार्केट में नया है अभी तक, ये टांग दीजिए, ये अभी तक यही देखा था लोगों ने। और ये गणेश जी का सबसे यूनिक है, ये देखिए दोस्तों, ये गणेश जी के, और इसके भी पीछे से डलता है। और ये कलाकारी किसकी जी आपकी है? ये मेरा है, मैं खुद बनाता हूँ, अगर आपको दिखाना है बना के तो भी दिखा सकता हूँ मैं। अरे वाह यार गजब, ये देखिए दोस्तों कि इसके ऊपर गणेश जी बनाना, ये तो अलग ही कारीगरी है। अभी आपने ये दीपक देखा था, इसका मजबूती देखिए आप, इसको आप कहीं लेके जाइए कैसे लेके। देखिए मेरे पास 60 kg मेरा वेट है, आप भी खड़े होकर देख सकते हो, जिसके अंदर ज्यादा भार है टूटेगा नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, और इसका मजबूती फुल आएगा, आवाज से पता चलेगा। देखिए